जीवन मरण का एक टेंशन होता है कि कहीं हम जिएंगे नहीं तो, अगर हम मर जाएंगे तो मदरत कहते हैं इट्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग थ्रेटन्ड, कि आपको डर लगता रहता है कि क्या होगा अब, मेरा क्या होगा। तो इस फीलिंग को मदरत बोलते हैं कि हम पूरे प्लैनेट से हटा सकते हैं, बट उसके लिए हमें विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास ही वो एक मार्ग है जिससे पूरे प्लैनेट से, हर एक बीइंग से जो है डर निकल जाएगा। फियर टू फियरलेसनेस मैसेज में मदर कहते हैं कि इंसान हमेशा अपने आप को बहुत मटीरियलिस्टिकली देखते हैं। वो सोचते हैं कि वो अब उनके घर हैं, वो अपने रिश्ते हैं, या वो अपनी जॉब हैं। तो ऐसे वो अपने आप को बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक लिमिटेड दृष्टिकोण से देखते हैं। और इंसानों को समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से रिवर की ट्रिब्यूटरीज होते हैं, ये सब हमारे भाग है, ये हम नहीं हैं। और हमेशा इंसानों को ये डर लगा रहता है कि मुझे कौन बचाएगा, अगर मुझे कोई बचाएगा नहीं तो भगवान को इसलिए प्रे करते कि भगवान मुझे बचाए। तो मदरत बोलते हैं कि बचाने जैसा तो कुछ है ही नहीं, देर इज़ ओनली थ्राइविंग इन द डिविनिटी। मतलब आप हमेशा दिव्यता में प्रगति करते जाते हो, क्योंकि ये बस एक एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस को एज एन एक्सपीरियंस देखना और विश्वास कर पाना, वो इंसानों में उस चीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत है। एंड इंसानों को अपने विश्वास को जगाने के लिए अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि वो एक्चुअली वो है क्या। तो मदर अर्थ कहते हैं इसके लिए कि यू आर नॉट स्मॉल मटेरियल फोर्सेस, यू आर इनफाइनाइट सोल फोर्सेस। मतलब आप बहुत लिमिटेड मटेरियल फोर्सेस नहीं हो, आप उससे बढ़कर हो, आप इतने अनंत हो क्योंकि आप एक आत्मा हो। तो आप एक अनंत, यू नो, इनफाइनाइट फोर्स हो, आप एक शक्ति हो। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके उनको एक विश्वास होगा कि हाँ, मेरा तो सब कुछ सही है, मेरे लाइफ में सब सेट है, सब देखा जा रहा है और मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मुझे जो अभी अपना कर्तव्य है, जो मेरा काम है, वो बस करना है। तो वैसे प्रेजेंट मोमेंट में आ पाते हैं, ये नहीं डर लगा रहता कि आगे क्या होगा, या कुछ बुरा हुआ तो वही रिपीट हो जाएगा, ये सब का डर फिर उनको नहीं रहेगा। अभी क्रिएटर शब्द बहुत लोगों के लिए नया लगेगा, बट ये हमारा ट्रूथ है। हम ही अपने जीवन के और अपने रियलिटी के क्रिएटर हैं। बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको रखा जाए तो आप जिस तरीके से किसी सिचुएशन को देखते हो, किसी एक्सपीरियंस को देखते हो, वो उस सिचुएशन को और एक्सपीरियंस को, वो पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से बदल देता है। जैसे हमने बात किया कि अभी जब हम ट्रस्ट करने लगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लग जाओ। तो अभी तक जिसको प्रॉब्लम समझ रहे थे, अब तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहाँ पर क्रिएटरहुड मेनली पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमारे मदरत ये भी कहते हैं कि आपको अपना रियल एसेंस समझना है, मतलब अपने तत्व को समझना है। अभी तक हम सोच रहे थे कि ठीक है, मैं भीड़ में एक हूँ, ऐसे सोचते थे, बट अभी आपको समझने की ज़रूरत है, अपने दृष्टिकोण अपने बारे में बदलने की ज़रूरत है। आपके अंदर एक मास्टर है, आपके अंदर वो दिव्यता है, आप भी एक भगवान हो। भगवान को देख के आपको लग सकता होगा, मतलब अगर मैं बोलूँ कि आप भगवान हो, आपको लग सकता होगा कि मैं भगवान हूँ, ये कैसे हो सकता है। बट भगवान ने भी हमारे जैसा एक साधारण एक्सपीरियंस ही लिया था भूमि पे। ये एक्सपीरियंस आपको साधारण लग रहा है, बट एक्चुअली ये एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपके बारे में आपको बहुत कुछ बताता है। आपका जीवन ही आपका एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने ऐसे ही एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने साधना की, उन्होंने ध्यान किया, और उन्होंने अपने आप को कभी छोटा नहीं समझा। अपने अंदर के जो क्षमता है उसको रिकॉग्नाइज़ किया। उन्होंने कोई मास्टरी करके अपने अंदर के मास्टर को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, मास्टर है वो रिकॉग्नाइज़ करके मास्टरी कर पाता है। तो
तो आपको भी अपनी क्षमता को पहले समझना होगा। पहले आप देखिए कि आपके अंदर एक मास्टर है, यही मदर अर्थ बता रहे हैं। अपने अंदर की दिव्यता को पहचानिए, अपने अंदर के अनंत शक्ति को पहचानिए, और तब आप पहचान पाएंगे कि आप एक क्रिएटर हैं। इसके बारे में मदर अर्थ और बताते हैं कि अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं हमेशा आपको बताती रहूँगी कि आप इम्पॉर्टेंट हैं, बट आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं। तो अपनी इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज कीजिए और अपने पर्पस को रिकॉग्नाइज कीजिए। अगर आप पूछे कि आप मेरा पर्पस क्या है, आपका पर्पस अपने जो अपने अंदर का जो तत्व है, आपका जो नेचुरल सेल्फ है, उसको रियलाइज करना है। बस वही आपको करना है, वो आपको समस्त ब्रह्मांड के साथ जोड़ देता है। जब आप अपने पर्पस को रियलाइज करते हो तो आप नेचर के साथ अलाइनमेंट में जी पाते हो। आपका पर्पस यही है कि आप अपने आप को जानना, आपका अंतर इनर जर्नी, अंतर प्रयाण ही आपका पर्पस है। उसको कर पाने के लिए आपको अपने जीवन को अपने माइंड से नहीं, बल्कि अपने सेंसेस और फीलिंग्स से देखना पड़ता है, ऐसे मदर अर्थ कहते हैं। सेंसेस और फीलिंग्स मतलब सेंसेस में रहना, मतलब इस क्षण में जो काम है वही करना, और फीलिंग्स मतलब एक्सेप्टेंस के साथ और अपने मिराकुलस थिंकिंग के साथ और ग्रैटिट्यूड के साथ एक सेलिब्रेशन मोड में रहना। जब आप ये करोगे तो आप सृष्टिकर्ता के जो कॉन्शियसनेस है उसमें आ जाओगे, और आपके लाइफ को बहुत इजीली जो है उसको एक डायरेक्शन दे पाओगे, उसको मैनेज कर पाओगे।